एनिमेशन पाठशाला। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्राणेभ्यो पिप्रिय सुहृद अर्थात प्राणों से भी प्रिय मित्र पाठ का अध्ययन करेंगे, जो मूलतः महाकवि विशाखादत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षसम का अंश है। चाणक्य कहते हैं, वत्स, रत्नों के व्यापारी चंदनदास को इस समय मैं देखना चाहता हूँ। शिष्य को वह आदेश देते हैं और वह चंदनदास को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शिष्य चंदनदास को लेकर आ रहा है। शिष्य कहता है, इधर से सेठ जी। शिष्य चाणक्य के पास जाकर कहता है, हे उपाध्याय, यह सेठ चंदनदास हैं। चंदनदास कहता है, आर्य की जय हो। चाणक्य कहते हैं, हे सेठ, तुम्हारा स्वागत है। क्या व्यापार में वृद्धिगत लाभ बढ़ रहे हैं? चंदनदास मन ही मन में कहते हैं, अत्यधिक आदर शंका करने के योग्य होता है। आज की प्रसन्नता से मेरा व्यापार बाधा रहित चल रहा है। चाणक्य कहते हैं, हे सेठ, प्रसन्न प्रजाजनों से राजा लोग भी प्रत्युपकार चाहते हैं। चंदनदास कहते हैं, हे आर्य, आदेश दीजिए, क्या और कितना हमसे चाहिए? चाणक्य कहते हैं, हे सेठ, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं। नंद के राज्य में ही धन का संबंध प्रसन्नता को उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्त की तो प्रसन्नता आपके सुख में ही है। चंदनदास प्रसन्नता पूर्वक कहता है, आज मैं आपके विचार से सहमत हूँ। चाणक्य कहते हैं, हे सेठ, और वह सुख किस प्रकार उत्पन्न होता है, ऐसा निश्चय ही आपके द्वारा हमसे पूछने योग्य है। चंदनदास कहते हैं, हे आर्य, आदेश दीजिए। चाणक्य कहते हैं, राजा के विपरीत नहीं व्यवहार करना चाहिए। चंदनदास कहते हैं, हे आर्य, ऐसा कौन अभागा है जो कि राजा के विपरीत आपकी दृष्टि में आया है? चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले तो आप ही हैं। चंदनदास कानों को बंद करके कहते हैं, पाप शांत हो, तिनका का अग्नि के साथ विद्रोह कैसा? चाणक्य कहते हैं, यह विद्रोह ऐसा है कि तुम अब भी राजा चंद्रगुप्त का बुरा करने वाले अमात्य राक्षस के परिवार की अपने घर में रक्षा कर रहे हो। चंदनदास कहते हैं, हे आर्य, यह झूठ है। किसी पापी के द्वारा आपसे यह कह दिया गया है। चाणक्य कहते हैं, हे सेठ, आशंका मत करो। भयभीत पूर्व राजा के सैनिक नगरवासियों की इच्छा के अनुसार भी उनके घरों में अपने परिवार को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। तदंतर उनको छिपाई रखना ही अपराध उत्पन्न करता है। सेठ चंदनदास कहता है, वास्तव में ऐसा ही है। उस समय मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य कहते हैं, पहले आपने बोला झूठ है और इस समय बोल रहे हैं कि वह था। ये दोनों वचन परस्पर विपरीत हैं। चंदनदास कहता है, हे आर्य, उस समय ही मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य कहते हैं, और अब वह कहाँ गया? चंदनदास कहता है, मैं नहीं जानता हूँ। चाणक्य कहता है, क्यों नहीं जानते हो? अरे सेठ, सिर पर भय है और उससे बचने का उपाय बहुत दूर है। चंदनदास कहता है, हे आर्य, आप मुझे क्या भय दिखा रहे हो? मेरे घर में अमात्य राक्षस के परिवार के होने पर भी मैं उसे आपको नहीं सौंपूंगा। फिर नहीं होने पर तो मैं क्या कर सकता हूँ? चाणक्य कहते हैं, चंदनदास, क्या यही तुम्हारा निश्चय है? चंदनदास कहता है, हाँ, यही मेरा निश्चय है। चाणक्य अपने मन में कहता है, शाबाश चंदनदास, शाबाश। दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर भी बहुत धन प्राप्त होने की स्थिति में भी
दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को एक दानवी राजा शिवी को छोड़कर दूसरा कौन कर सकता है। श्लोक दुष्करम न्यासरक्षणम, अर्थात इस श्लोक के द्वारा महाकवि विशाखा दत्त ने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में चंदनदास के गुणों का वर्णन किया है। इसमें कवि ने कहा है कि दूसरों की वस्तु की रक्षा करनी कठिन होती है। यहाँ चंदनदास के द्वारा अमात्य राक्षस के परिवार की रक्षा का कठिन काम किया गया है। न्याय संरक्षण को महाकवि भास ने भी दुष्कर कार्य मानते हुए स्वप्न वासव दत्तम में कहा है दुष्करम न्यास रक्षणम। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।